झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि झामुमो नेता गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका झारखंड उच्च न्यायालय से वापस ले लेंगे। उल्लेखनीय है कि जमीन घोटाले के मामले में झामुमो नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया गया है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री चुने गए थे। इधर ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में आज फैसला आना है।